झरोका के ये कार्यक्रम साथियों, फिलहाल लेवुका में हम बैठे हुए हैं। एक काफ़ी गर्मी है और सुंदर जगह जिसको देखने के लिए शायद बहुत सारे लोग ये देखना चाहते हैं। तो झरोका में कई ऐसे फोटोज़ हैं जो हम आपके लिए दिखाएंगे और कुछ ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो हैं यहाँ पर, इनसे हम भेंट वार्ता कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं दुर्गा सिंह और उनके श्रीमती रामा सिंह। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अंकल, राम राम। राम राम। आंटी आपको भी राम राम। राम राम। अच्छा हम आपसे ही बात कर लेते हैं अंकल, तो काफी बात करते नहीं है। जी। आप बताएं कि कितने साल से आप यहाँ? काफी दिन हो गए ना। 30 साल बताओ हम जान जाए। लगभग 30 साल। 50 years से। जी। अच्छा, तो वैसे आप यहीं के पैदाइश हैं? जी नहीं, मैं नागपुर के पैदाइश से। और अंकल? ओ तवीनी के पैदाइश से। ओ तवीनी के। जी। तो कैसे यहाँ पे आए, पहुँचे यहाँ कैसे आए? स्कूल पढ़ने के लिए इसके माँ बाप लोग यहाँ पर लाए अपने बच्चों के। ओ ऐसे, अंकल के माँ बाप यहाँ पर थे स्कूल पढ़ने के लिए? जी, स्कूल पढ़ने के लिए। अच्छा, तो स्कूल पढ़ने के फिर यहीं पे अंकल बड़ा भाई? जी, यहीं पे बड़ा हुआ। जाकर शादी बिशारी में काम किया थोड़ा दिन अपने मौसा के घर पे। हाँ। फिर ये सब जमीन खरीदा मेरे पिताजी के साथ में। बिशारी यहाँ सुबह? जी, बिशारी सुबह। फिर यहाँ पर 50 साल पहले आकर फिर खरीदा जमीन? जी, मेरे शादी से पहले आकर ये जमीन खरीदा। अच्छा, जमीन खरीद कर तब शादी किया। तब शादी किया। जी। और तो वैसे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटी है। चारों शादी ब्याह हो गए सर? चारों शादी ब्याह हो गए, चारों ओवरसीज में है। सब ओवरसीज में है? जी, एक न्यूजीलैंड में है, 3 ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा आंटी, ये बात बताएं हमें, उस वक्त 50 साल पहले और अभी में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। अच्छा, ये सब तो पार था। हाँ, ये सब पार था है, तो बुलडोज किया सब। सब बुलडोज करके बनाया गया? बुलडोज करके बनाया गया। हाँ। जी, इसने बनाया, अपने माँ बाप को घर बनाया। हाँ। तब हम लोग के घर बनाया। तो ऐसे पहाड़? जी, ऐसे पहाड़ ऊपर से ऐसे। इसको ग्रेट करके ग्रेट बनाया। करके तो बनाया। तो उस वक्त अंकल काम करे रहा यहाँ? उस वक्त यहाँ पर छोटा वाला लोग के डेयरी फार्म रहा। ओ, जी, लेवुका में डेयरी फार्म में काम करते। उसके बाद में तो फिर जो फिशिंग कंपनी तो ट्रक ले लिए, तो उसमें ट्रक में काम करने के शुरू किया। अच्छा जी। आस्ते 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 घर बना, तो घर बनाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया। यहीं से सर? सब यहीं से पढ़े हमारे बच्चे, यहीं पर फॉर्म 7 तक पढ़े। यहाँ से स्कॉलरशिप मिला तो ओवरसीज चले गए। हाँ। अच्छा, फार्मिंग के जैसे आपने कहा कि डेयरी फार्म, उसके अलावा और भी कुछ फार्मिंग? जी, यंगोना के फार्मिंग करते थे। यंगोना के? जी। कितने एकड़ में था वो? ओ, कितना एकड़ आप लोग के ऊपर जमीन है? 15 to 20। हाँ, उसको वो लीज वाला था। लीज वाला। अभी उसके लीज को कुछ खत्म हो गया, तो कुछ काम कर नहीं सकते, तो ट्राई नहीं करते, तो लौटा दिया गया। और ये जो है हम लोग के ऊपर E7 acres, ये हम लोग के प्री ऑन जमीन है। 7 बीघा? जी, 7 बीघा। ये वाला जो है? हाँ, ये वाला। तो इसके ऊपर और घर है जो? ऊपर भैया लोग के घर है। सब भैया लोग? सब इसके भाई लोग के घर। अच्छा, तो अब फेस्ट यही है इस रहा? जी, फिर आस्ते सब भैया लोग? सब भैया लोग बड़े हुए, कुछ भैया ओवरसीज चले गए हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर खड़े एक दो है, एक सुबह में था वो पास्ट हो गया, एक न्यूजीलैंड में है, मास्टर है। हाँ, और यहाँ पे और भैया कितना, ये लोग 8 brothers 4 sisters। 8 brothers 4 sisters, बहने लोग सब ओवरसीज में। अच्छा, आप 50 years पहले आप भी आए होंगे ना? 60, 40 years, whatever. जी। कितना साल हो गया आपकी शादी? 50 years हो गया मेरे से। अच्छा,
तो 50 साल पहले ऊटम कितना हिंदुस्तानी नहीं होता थी? वो पहले बहुत हिंदुस्तानी थे। अच्छा? हाँ, बहुत हिंदुस्तानी थे। हाँ, अभी धीरे 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 सब हिंदुस्तानी निकल गए, बहुत कम हो गया हिंदुस्तानी। हमारे ख्याल से जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चे सब चले जाते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर, तो एक कंपनी है फिशिंग कंपनी, उसमें तो काम नहीं है लड़के के, जो पढ़ लेते हैं अच्छा से तो उसको काम करने के लिए निकलना पड़ता है ना। हाँ, इसीलिए सब निकल जाते हैं। बहुत बहुत हिंदुस्तानी थे पहले, पहले ना, पहले बहुत हिंदुस्तानी थे। अभी अच्छा, तो बहुत नहीं है। जब कोई वो टाइम जब आप लोग यहाँ पे थे, जब आए थे जी, तो और बुजुर्ग लोग यहाँ पर आप लोग से, उनसे कुछ बातचीत कभी हुआ कि जो फर्स्ट इंडियंस आए थे यहाँ पर? हम बहुत नहीं जानता है, बहुत रहे अंकल आपके याद है ये बहुत देर जानत रहा, बिकॉज हम शादी करके आए तो हम बहुत ज्यादा घर पे रहते, हम बहुत लोग से नहीं मिलते। ये लोग काम करते। अच्छा अंकल, आपके मालूम है जब कुछ गिरमिट लोग आए रहे, कुछ बताए ना आपके कभी कैसे आए रहे, कौन कौन आए रहे, कुछ चिन्ह निशानी है कुछ यहाँ? सीरिया मोल जब आया था तंडुक वेरा, हाँ, तो उसमें एक टाइम भी तीनों बचाए लगा रहे, बट कुछ एक बाउट हम सोचता है यहाँ लेबुकाम भी आग लगा रहा, अवलाव अवलाव है। हाँ, पर सन ब्रदर्स उनका पहला बाउट। अच्छा अच्छा आंटी, आप हमें बताएं, चलो फिर जो खेती बाड़ी के अलावा और वैसे कुछ खास क्या करते हैं? बस वह फिशिंग कंपनी में ट्रक चलाते और फार्मिंग करते थे, और गाय तो थोड़ा दिन में सब बेच दिए, बिकॉज यहाँ पर चराने के लिए जगह नहीं था। जगह जी, तो जगह भी चाहिए जी, जगह चाहिए। फिर पढ़ पढ़ के भाई लोग सब निकल गए, लोग कम हो गए। तो आपके माता पिता नागुआ में? नागुआ। कहाँ के नागुआ में? दुम्बा में। जी। अच्छा, क्या नाम था आपके देव का? नारायण सिंह। नारायण सिंह जी। और आप कितने भाई बहन? नौ। नौ भैया जी। सब हैं जी? नहीं। हाँ, दो भाई नहीं है, एक बहन नहीं है, और सब है। सब ओवरसीज में है? सब ओवरसीज में है, खाली एक बहन, नहीं दो बहन है खाली फिजी में। खुशियों में तो सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन अपनों को खोने के गम में जो साथ देते हैं वो है ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम। पिछले दो सालों से हमेशा सैम अचारी और उनकी टीम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटे, सभी रिलीजन के अंतिम संस्कार को संपन्न करते हैं। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशन सर्विसेज, ऑकलैंड 11 बोल्डरवुड प्लेस, विरी, मनुकाव। अब यहां इजी पे फ्यूनरल प्लान की भी व्यवस्था है, इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट्स। टू कॉन्टेक्ट ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम कॉल 2788600। अगर आप फर्स्ट होम बायर हैं और आपके पास 10% डिपॉजिट है, लोटस फाइनेंस आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर सकता है। ये कंस्ट्रक्शन लोन, कमर्शियल लोन, बिजनेस वर्किंग कैपिटल और एसेट फाइनेंस में भी मदद कर सकते हैं। लोटस फाइनेंस सेकंड मॉर्गेज और टॉप अप्स के लिए भी जाने जाते हैं। फॉर ऑल मॉर्गेज एंड इंश्योरेंस नीड्स कॉल 09827662 और विजिट lotusfinance.co.nz। क्या आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की तलाश कर रहे हैं? चाहे रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, बाथरूम रेनोवेशंस, फेंसिंग या जनरल मेंटेनेंस के लिए आज ही संपर्क करें सैमसन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। वे 2006 से देश में सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। न्यू हाउस कट्स, डेक्स, ड्राइवर्स या फाउंडेशन एक्सकेवेशन के लिए भी आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। आज ही प्रोजेक्ट मैनेजर सैम से बातें करें, जो कि लाइसेंस्ड बिल्डिंग प्रैक्टिशनर है, 0220619440 पर या 09275-5075 पर, या ईमेल करें samsonconst@gmail.com। राम्स ग्रुप्स ऑफ कंपनी और राम्स क्लीनिंग। हे बेबी, कहाँ हो? किचन में। क्या कर रही हो? बाबू, किचन में कोई और क्या करेगा यार? क्यों, बहुत कुछ हो सकता है किचन में, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। ओए,
Stop it, huh? All in one kitchen. Use your kitchen for cooking and a lot more. For all your kitchen storage requirements, shop fitting, build-up tops and stone top. All in one kitchen. Ye brand new kitchen ke saath kitchen renovations bhi karte hain. 2x38 Grayson Avenue, Papatoy. Call Amitesh on 0211-272-306. अच्छा, हम आप कोशिश करते हैं जानने के लिए आंटी 50 ईयर्स पहले या 40 ईयर्स पहले, जैसे कि आपने बताया बहुत कम लोग यहाँ पे, तो जो ई तो कई है जो आदिवासी है यहाँ के, अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही मिलनसार ऐसे ही थे ऐसे ही बड़े मिलनसार यहाँ के जाति भाई बहुत मिले। एक तो या मुझे माँ बाप बोलते हैं, मेरे काम करते रहते हैं। अच्छा। कुछ खोलो तो जाकर लेके आते हैं, खाना पानी दे देता है, तलब भी देता है, अच्छे से रहते हैं। ये लोग काम उम कर ये लोग ग्रास काटे, गार्डन सफा करते हुए, शॉपिंग करते हुए। अच्छा। बहुत काम करते हुए, बहुत काम करे। हाँ, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। हमने ये चीज चोरी नहीं करते हैं, कोई रकम के बुरा काम नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग यहाँ के बहुत मिलनसार है। हमने ये तो जरूर देखा है, जितने आदिवासी जितने ईद तो कई है। हाँ। और हिंदुस्तानी जितना है जी। कल रात्रि को हमने देखा कि दोनों आजू बाजू में बैठ कर बात कर रहे थे और हम उस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, बोला नमस्कार लोगों ने किया। मालूम नहीं पड़ता है, वैसे देखा जाए पश्चिमी विभाग में देखा जाए या अष्टमी सुबह इत्यादि में, तो वहाँ थोड़ा विभाजन विभाजन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे है कि वो सुबह में है तो थोड़ा चोरी होता है, सुबह में थोड़ा डिफरेंट है। दुबका में बहुत शांति है, हम लोग तो कुछ बंद भी नहीं करते तो सो जा सकते हैं। अच्छा जी। कुछ नहीं बंद करे सो आज तक चोरी चंदा नहीं हुआ जी। मारपीट ऐसे मारपीट नहीं होता, चोरी नहीं। एक दूसरे को बहुत ख्याल करते, एक दूसरे को ख्याल करते। कभी कभी बच्चे लोग हैं जो छोटे हैं, चोरी वोरी छुटाओट कर लेते, बट बड़े चोरी नहीं करते, मारते काटते नहीं जी। यहाँ के अलग अलग है, अलग ही दुनिया है, दुनिया है। और बहुत अच्छा लगता है, जो ग्रास जंगल सब नहीं रहते तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ कर देखना। अच्छा? रात को सब बत्ती दिखाता, वो उठाता, बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा, जो ये पुराने पुराने बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स है, कई सालों से आप देख रहे हैं जी, वैसे ही है, वैसे ही है जी, वैसे ही है, बदला नहीं, नहीं बदला, उसको बदल सकते, बदल सकते ही नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वही है जी। कभी तूफान आया है, डैमेज हुआ है? जी, तूफान आया। एक तूफान आया ना कौन साल में, बहुत खराब से आया रहा, बट और सब जगह से तूफान यहाँ पर डिफरेंट आता है, काफी दूर पड़ जाता है, दूर पड़ जाता, पहाड़ पर जाता है, कितने लोग को कुछ नहीं होता, कितने लोग को घर गिर जाते, ऐसे बच जाता है। हम तो जब से आए हैं मेरे घर पे कभी तूफान ने डैमेज किया ना, तो कभी बाढ़ आया कभी नहीं, ये एरिया में नहीं आता तूफान जी। और उसे मछली इत्यादि कोई जाते हैं मारने के लिए, पहले आप जाते थे? जी नहीं, मैं तो नहीं गया। अंकल आप गया कभी मछली मारने? अंकल भी नहीं मछली मारते, बट अंकल के भाई बहुत मछली मारते थे। अच्छा जी। वो नहीं है अभी, वो बहुत साल हो गया, कितना 10-15 ईयर्स हो गया वो मरते जी। डीगा अपन काम करता था ऊपर डीगा में, तो लुट गया डीगा। अच्छा, तो वही सब वो बहुत मछली मारता था, उसके पास बोट रहा, बहुत अच्छा रहा। और वैसे हम देख रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पर ये भी हमने देखा कि हम तो सोचा कि कई कितना दूर है विति लेबू से जी, लेकिन फिर भी आम इत्यादि आज हमने घूमने के लिए गए, आम देखे और लगभग सभी कुछ के पेड़ हैं, सभी कुछ है, एवरीथिंग है, एवरीथिंग है, खाने पीने के लिए लगभग सब का चीज। हाँ। यहाँ तो फ्री मिल जाता बहुत चीज। हाँ ना? खाने पीने के तो डालो कसेरा, नारियल, नारियल तो मेरे भी वो देखना भैया बहुत अच्छा नहीं है,
उदो नारियल दिखाता है रास्ता पर से आप देखना सब में हम लोग के नारियल है ऊपर में जो पहाड़ जो पहाड़ में दिखाता है सब हम लोग के नारियल है बहुत उसको आप बेचते नहीं पहले बेचते हम लोग तो बहुत ओवरसीज चले जाते हैं अभी तो कितना 4 महीना हुआ आया है हम लोग कहाँ पे आ जाते हम ऑस्ट्रेलिया में मेरे 4 बेटियां हैं कोविड हो गया तो उन्होंने कहा नहीं जाओ बीमार हो जाएंगे यहीं पर रहो 4 महीना वहीं पर रहा बट हमारे पीआर है न्यूजीलैंड के अच्छा जी 20 ईयर्स से आते जाते हैं कुछ फैमिलीज भी हैं वहाँ पे मेरी लड़की है ना जी ऑकलैंड में है जी जी हाँ डॉक्टर कुलवंत सिंह हाँ मर्दमाद है अच्छा से परिचय है सिंह तो आप जब जाते हैं घर द्वारे से बंद रहता है जी ये जो काम करता है तो बाहर बाहर सब काम कर देता है घर बंद कर देता उसको रहने की जगह है उसको रहने की जगह है टॉयलेट है बाथरूम है रूम है उसको जबकि अटैक का रहता है जी यही रहता है फैमिली है उसके पास ना फैमिली उसके वाइफ पास एक छोटा लड़का है 14 इयर्स के और लड़के शादी करके अपने घर बने Chance Construction Limited for all your building works, renovation, home, school, commercial property, residential property, specialized in all building works, also manage projects from start to finish. They use top quality building materials, also do subcontracting, license building works. Call Prem on 021-026-43-638. या प्रितेश ऑन 022-064-3600 गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड 58 लेंसफोर्ड क्रेसेंट एवेनडेल यहां पर वॉफ टायर रिपेयर्स ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी नो प्रॉब्लम यहां पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है आज ही डेनी को कॉल करें 02720925688 पर नंबर एक बार फिर से 02720925688 स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड 58 लेंसफोर्ड क्रेसेंट एवेनडेल For all your construction need, call SSS Construction. Phone number 021-0422-913. Lal's Transport Limited. For all your transport need, call 021-281-286. Fiji se imported fresh vegetables chahiye? Local vegetables, groceries, top quality products, halal meat, goat, lamb ya chicken chahiye? To yaad rahe naam Get Fresh Supermarket. Inki do shakhaen hain 99 Westney Road, Mangri aur Get Fresh Otahu, 81 Station Road, Otahu mein. 99 Westney Road, मैंगरी में गेट फ्रेश को संपर्क करें 275-7195 पर और ओटोहू में 276-7779 पर गेट फ्रेश सुपरमार्केट 99 वेस्टनी रोड मैंगरी से आप टेकवेज भी ले जा सकते हैं ये शॉप 7 दिन खुली रहती है गेट फ्रेश ईट गुड फील गुड Electrical sales and service for all your electrical need call 027-243-6721 Electrical sales and service Alice Solid Plastering. For all your solid plastering need, call 021-705-956. Rainbow's Bin. For all your bins, call 09-259-9992. Rainbow's Bin. देश में 20 या 40 फुट कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड ये ऑकलैंड पोर्ट से ऑकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को ऑन 02108448 पर दैट्स 02108448 फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड प्राउड स्पॉन्सर्स ऑफ झरोखा अंकल कुछ पुरानी और कहानी यहाँ के मालूम है पुराना कहानी कुछ मंदिर गए आप मंदिर गया मंदिर मस्जिद एक ही बहुत अच्छी चीज हमने यहाँ पर देखा कि मंदिर और मस्जिद बिल्कुल एकदम बगल बगल में है और खुशी की बात ये लगा कि सिर्फ एक मंदिर और एक मस्जिद और वैसे ताइविनी में हमने गया वहाँ 2-3 मंदिर पाया और 2-3 रामायण मंडली यहाँ पर एक ही मंडली है एक ही मंदिर है और एक ही मस्जिद बहुत अच्छा लगा यहाँ पर
इसको फोटो देखा मंदिर में आप? इसने मंदिर को बनाया। अच्छा, साथ में मिलकर सब। इसके फोटो मंदिर में आप देखा होगा। पुराना फोटो था, पुराना फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में है। हाँ, उसमें एक आप पता नहीं इतना भीतर गया कि नहीं, वीरो यहाँ पे अभी अभी आए वीरो से। वीरो से हाँ, वहाँ पे एक लेडी रहा, उसके नाम कौन जी रहा, वो दान करी सरा जमीन। अच्छा, तब हम लोग यहाँ के सब हिंदुस्तानी पीपल मदद करके बनाया, मंदिर बनाया, बड़ा विशाल सुंदर मंदिर। और अभी तलक ये प्रधान था मंदिर में। हाँ, अभी 5 साल से ही बीमार हो गया। हाँ, तो प्रधान नहीं है, अशोक जी है। अशोक, अशोक से भी बातचीत किया कल। अशोक बहुत अच्छा है लड़का। अच्छा चलो, और कुछ पुराना याददाश्त याद आओ अंकल। बहुत मुश्किल याद करो, काफी लोग थे ना, बहुत लोग थे ना। अभी से जब सोचो उनके बारे में तो बहुत मुश्किल याद होना। एक से एक अपने दोस्त थे और सब कुछ बहुत मिलजुल के रहते थे ना। सब एक दूसरे से बड़ा, आज भी हम देखा बहुत प्रेम मोहब्बत है यहाँ पर लोगों से। जी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लड़के हैं, पर भाई के लड़का ने, यहाँ पर एक भाई है इसके, वो भी बीमारी सी तरह उसके बच्चे ऑन करते हैं ग्रुप। तो नमूना अब फार्मिंग बंद कर दिया। हम फार्मिंग नहीं करते हैं। तो ये मशीन इत्यादि जो है ओ, इसके भैया की है, हमारे मशीन उसमें पड़ा है, उसको तो हम अभी यूज नहीं करते। ये भी यूज करते तो लेंड्रोवा, बहुत पुराने हमारे ख्याल से कई, बट चल रहा है। हाँ, चल रहा। अभी भी जाते हैं आप कहीं घूमने के लिए? ना 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 ना, नहीं चलाते। हाँ, कितने अभी तो कितने 4 साल से वैसे ही पड़ा है। हाँ, खाली 4 महीना हुआ हम लोग आया है यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, तब थोड़ा सब चीज सफा करा, थोड़ा बहुत मैला रहा गर्दा उसके ऊपर, बहुत सा मोटा गर्दा रहा। अभी अच्छा से नहीं सफा हुआ, हमारे घर के भीतर बहुत मेला आ गया था। क्योंकि डस्ट है ना, बहुत डस्ट, बहुत डस्ट। आप लोग का चाय न्यूजीलैंड में बताने के बता कितने डस्ट खाते हैं। छोटा जगह है, शायद किसी ना किसी दिन अभी तो बनाते और बनाते है ना, देखा होगा आप लोग पत्थर गिराते। हाँ, बोले वो बन जाएगा तो तहसील करेंगे। पहले तहसील रहा, सब लाइट रहा, अभी तो सब निकल गया। पहले वहां पर देखा सेशन स्टोन के लग गया। हाँ, वहां पर बहुत अच्छा से सब बना था, अभी तो सब गिर गया। हमारे ख्याल से जो लास्ट तूफान आया उसके बाद में सब वॉश अवे हो गया था। हाँ, तो अभी तक फिर से रास्ता बन रहा है। जी जी, समय लगेगा, सारा समय लगेगा, पानी बहुत ऊपर आके सब रास्ता को धो दिया। अच्छा, पहले पानी काफी ऊपर तक था, अभी हमारे ख्याल से मैंने किसी से पूछा काफी ऊपर रेज हो रहा है धीरे धीरे पानी। जी, ग्लोबल वार्मिंग के साथ इसी कारण होगा। पहले काफी रेता बहुत लंबा था, बहुत लंबा रेता होता था। अब नहीं, अब नहीं, अब ऊपर आ गया, छोटा ऊपर आ गया। अभी मेरे बच्चे भी आए थे, अभी हमारी लड़की आई ऑस्ट्रेलिया से। पहले पहले हम लोग देखते यहाँ पे बालू दिखाता था समुद्र में, इतना दूर तलक रीफ दिखा, अभी एक को दिन देखा नहीं है। बिकॉज हम आप चेंज हो गया, हम सोचता समुद्र पानी ऊपर आता है, पानी ऊपर आता है जी, जमीन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जमीन धीरे ज्यादा नीचे। तो उस वक्त जब रेता खुलता था काफी दूर तक आपको दिखा था? काफी दूर तक रेता रहता था। बच्चे जाते उसमें घूमते, बालू में नहाते, खेलते रहे। अभी तो अब रेता नहीं खुलता, रेता नहीं खुलता, नहीं खुलता। तो आपने ये नोटिस किया था कभी कि रेता के? हाँ जी, नोटिस किया, रेता नहीं आता, पतले से थोड़े से आता, अब नहीं आता रेता। ता पानी ऊपर आता, पानी ऊपर आता है, धीरे धीरे जमीन नीचे जा रहा है। मेरे ख्याल से जो और छोटे छोटे आइलैंड से उनके लिए काफी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये तो साइंटिस्ट लोग भी बताते हैं ना कि समुद्र ऊपर आता है, आइस टकलता है ना। जी, एनीवे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत किया। और धन्यवाद। कोई ऐसे संदेश अपने ओर से, अपने जितने रिश्तेदार परिवार अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसको बताना चाहते हैं? जी, मेरे बच्चे हैं कुलवन रेखा और
इसके भाई है रघुनाथ सिंह, सभी को हाँ। आप उनको विश करते हैं यहाँ से। तो रूबरू साथियों देखिएगा कि हम मिस्टर सिंह घर पर बैठे हुए हैं और रमा आंटी है साथ में यहाँ पर, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं झरोखा की ये कार्यक्रम। साथियों अगले सप्ताह एक और रोचक कार्यक्रम हम लेकर आने वाले हैं, देखते रहिएगा। हमारे जो टीम है कैमरामैन दिनेश और साथ में राजेश और कपूर, मैं प्रकाश, सी यू नेक्स्ट वीक। Yeah.